There I saw him. I've been rocking black jeans, mismatched socks, stripes around my hoodie, and the carrots on the watch. Little shorty in me up, saying that you're trying to talk. I don't want a conversation, all around. My feet all green like the crop diamond soul, cause red gelato got me filling out the box. 18, juggling with the homies, fucking thoughts, moving packs like clockwork. What a bitch say, working to my wrist pay. Step inside my dojo when I show you I'm the sensei. Miss saying I've been great, this ain't new. Knock the pussy out the baby. Fuck all my teachers cause I hate school. Say they been calling me different, I've been the same dude. Nah, I come in and I body beat, so the thing going. I ain't even sweating, even my debut. At the top, but still giving there. Out toe tags. You rappers hella goofy, and he's still like you know. Man, you talk about the chains, but the flow in your notepad is making me sick. You used to give it your flow back. हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। यार मैं आ चुका हूँ PUBG मोबाइल के एक और नए गेम प्ले के साथ में। अब यार इससे पहले वाली क्लिप के अंदर MK14 से जो डुओ वाइब्स हुई कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल इस वाले गेम प्ले की बात करें तो इसमें मैं खेल रहा हूँ डुओ, और भाई इस वाले गेम में बंदा जिसका नाम आपको दिखा होगा अभी, जिसका ये प्लेन था बूम ने, ये बंदा इसको टाइटल मिला हुआ है हेडसअप का। और ये बंदा बहुत बार आ चुका है मेरे साथ लॉबी के अंदर, और भाई ये बंदा इतने बंदे पेलता है पता नहीं कैसे। और मेरे को ना ये हेडसअप, लॉन्ग शॉट, इन जिनको टाइटल होते हैं ना, ये बंदे मेरे को थोड़े से टेढ़े लगते हैं। मतलब इनका मेरे को गेम कभी सही लगता ही नहीं है जिस हिसाब से ये बंदे पेलते हैं। अब भाई गेम के स्टार्टिंग से ये बंदे पेले जा रहा था और क्या ही पेल रहा था, तो मतलब कि इसको मारना था मेरे को। और बहुत टाइम से मैं देख के बैठा था कि इसको पेलूं, और आज वो फाइनली मौका मिल ही जाएगा मेरे को। तो देखो फिलहाल ग्रोनस पे उतरे उतर यहाँ एक टीम आई होती है, सबसे पहले इस वाली टीम को साफ करते हैं, घूमने की तरफ तो बाद में चलेंगे। रेडी टू जंप। I'm near you now. Go to the last house. I don't have a gun. Go to the last house now. Okay. Later. That's back. Later. He's the one here. Is he on our side? हाँ पता है, यहाँ थोड़ा हक दिया मैंने, लेकिन कोई नहीं, आगे का स्प्रे आएगा और इसको पकड़ेंगे। और इसका नाम है लेडी रोज वाइटी। तो सबसे पहले इसके पत्ते झाड़ते हैं अपन, और उसके बाद इसके बंदे को पकड़ेंगे। And I think one is still here. It's on our side? Yes. भाई नाम देखो किल फील्ड में। That's not a bot, okay. भाई देखो ऐसी हरकतें होती है ना, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि बंदा चीट कर रहा है जो भी कर रहा है, लेकिन फिर कुछ उठ के आते हैं बंदे, बोलते हैं कि भाई तेरे को खेलना नहीं आता, और सामने वाले को हैकर बोल देता है। ठीक है भाई मान ले तुम्हारी बात, भाई हमको तो खेलना नहीं आता, हम तो ऐसे ही हैं भाई। तो देखो फिलहाल लेडी रोज वाइटी को थोड़ी सी चूल होने वाली है, और वो क्रॉस करेगी दूसरी तरफ, तीसरे घर से चौथे घर की तरफ। तो पकड़ते हैं इसको सबसे पहले। भाई मतलब यहाँ आखिरी गोली लगी है उसको और ये खत्म। अब फिलहाल यहाँ एक और बंदा बाकी है, और इसका टीममेट ही है, इसको पकड़ते हैं। ये बंदा भाई क्यों आई स्प्रे देता है, मतलब मेरे को इसने एक HP छोड़ दिया था, लेकिन इसको पकड़ेंगे जरूर अभी। अब देखो यहाँ मेरी टीममेट स्प्रे देती है इसलिए वो घूम के वापस आ जाता है, वरना इसको मैं 20 रास्ते पकड़ लेता। You should have let him go. I should have not. I hit him. In the tree, right? In the box. Arai! Look at Why my health! भाई देखो मेरी HP. क्या ही पकड़ा इसको, ये मतलब लगभग लपेट चुका था मेरे को। भाई जो भी है फिलहाल यहाँ पे ये डुओ खत्म हो जाती है, और यार इस वाले मैच में ना ऐसे ऐसे डुओ आप देखने को मिलेंगे, मतलब कि मजा आने वाला है सही में। तो यहाँ तक शुरुआत हो चुकी, अब यहाँ पे जो बंदे आए थे ये खत्म हो चुके हैं, तो हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ जहाँ पे हमको और टीमें दिखने वाली है बस। अब तो चलो वहीं चलते हैं अब सीधा।
There's a vehicle on the other four houses. अब देखो भाई यहाँ ये स्प्रे देखना और इस वाले स्प्रे के एक लाइक ठोक देना फटाक से. Oh, killed him. That was an amazing spray. Let me dance. There's still someone there on the mountain of the I don't. तो चलो भाई यहाँ ये सोलो बंदा था. अब यहाँ पे सारे घर जितने भी यहाँ पे घर दिख रहे हैं सारे लूट के गाड़ी लेके निकल रहा था यहाँ से. तो फिलहाल इसको पकड़ लिया यहाँ पे. और भाई मेरा सही में ऐसा ये बूमने का नाम देख देख के दिमाग घूम रहा है. पूरी किल फील्ड में भाई इसी इसी का नाम आ रहा है बार बार. खैर भाई जो भी है इसका इससे तो हम बाद में निपटेंगे. तो फिलहाल बाकी बंदे पकड़ते हैं और देखते हैं कि आसपास कोई टीम है या नहीं. देयर इज समवन इज कमिंग फ्रॉम द मिड क्रैब रस. Gave him a lot of damage. How come he didn't get knocked out? Maybe he's wounded. He's behind the rock. देखो मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट हुआ है. ठीक है ये बंदा सोलो है यहाँ पे और ये बंदा मेरे को स्पॉट हुआ. और मेरे लेफ्ट में हिल पे भी दो बंदे हैं. तो पहले मैं देखता हूँ कि इसको ख़त्म करूँ या उसको ख़त्म करूँ. क्योंकि दोनों तरफ अगर मैं एक तरफ गया तो कोई एक बंदा मेरे को ही जाएगा. तो मैं पहले इसको देखता हूँ कि ये बंदा यहाँ से निकले या फिर कहीं और जाए. तो मैं पीछे वाले बंदों को देखूँ. तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं. दे विल बी कमिंग फॉर अस. देयर ही मेरे स्मोक. भाई ये बंदा क्या ही बच रहा है यार सही में. फिलहाल मैं अब ये बंदा इस तरफ जा चुका था तो मैं एक बार पीछे की तरफ देखने जाता हूँ कि यहाँ जो बंदे शूट दे रहे थे वो यहाँ पे अभी भी है या नहीं. तो यहाँ देखो मेरा क्या ही कटेगा भाई. मतलब बंदों ने दीवार पर स्टिकर चिपका रखी और मेरे को लगा कि बंदा ओपन में बैठा है और मैं स्प्रे देने लगता हूँ स्टिकर पर. खैर जो भी है बंदे यहाँ से निकल चुके थे तो यहाँ की टेंशन थी नहीं. तो हम लोग बढ़ जाते हैं सोलो बंदे की तरफ. अब देखो ये अकेला बंदा यहाँ पे काफ़ी देर से परेशान था. उसको बोट भी परेशान कर रहा है हम भी परेशान कर रहे हैं. तो मैं देखा कि इसकी परेशानी ख़त्म करते हैं और पास में जाके इसकी पीठ डाल देते हैं. तो मैं जाता हूँ यहाँ पे. ओह माय गॉड यू आर गोइंग देयर. तो लो भाई ये सोलो बंदा था इसकी पेटी यहाँ पे आराम से डल गई है और सामने एक बोट भी आ जाता है फ्री की किल देने के लिए. तो इसकी किल उठाई अपन ने और यहाँ से निकलते हैं. अब देखो जोन में बाकी इन तीन बंदे हमारे अलावा. ठीक है एक डुओ है और एक सोलो है. अब सोलो आप समझ ही लो कि कौन होगा. तो चलो फिलहाल बढ़ते हैं आगे की तरफ और पकड़ते हैं तीनों बंदों को. देयर टू ऑफ देम आई कैन सी टू ऑफ देम. कहां भाई. मतलब ये लोग सामने किसी से फाइट ले रहे थे और जो मैंने पहले बताया था कि मेरे लेफ्ट में हिल पे बंदे हैं ये दोनों वही बंदे थे और ये लोग यहाँ आ चुके थे. अब ये लोग सामने सोलो बंदे से फाइट ले रहे थे तो मेरे को दिख गए ओपन में इतना खुले में. तो भाई स्प्रे देने से कैसे रुकता. और एक ही स्प्रे में दोनों को निपटा दिया. खैर अब देखो सामने सोलो बंदा बाकी है. ठीक है और ये वही बंदा है बूम में. अब इसके साथ देखो क्या ही फाइट चलेगी. मतलब ज़्यादा लंबी चलेगी नहीं क्योंकि तुम्हारा भाई पकड़ लेगा इसको बहुत जल्दी. अब यार देखो सही बताऊँ तो मेरे को गेम ना बिल्कुल लेट के खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है. कहीं जगह कैंप करना या इस तरह से लेट के खेलना मेरे को 1% पसंद नहीं. लेकिन जब आपको पता हो कि सामने वाला बंदा किस हिसाब से खेल रहा है तो आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ता है. अब यहाँ मैं सिर्फ बंदों को स्पॉट होने का वेट कर रहा था. जैसे ही मेरे को बंदा स्पॉट हुआ खैर टीममेट नॉक हो चुकी थी मेरी और वो बंदा फिनिश भी कर देगा इसको. बंदा मेरे को स्पॉट हो चुका था तो बस उसी की देरी थी. अब मैं खड़ा हो चुका और बस खेलते हैं इसको. He doesn't know my location yet. भाई यहाँ एक बार को तो लगा कि मैं गया. Oh
ओह फक, आई किल्ड हिम। भाई मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ मैंने पहले से दिमाग में अपना सेट कर रखा था कि मेरे को इसको ड्रॉप शॉट देना है, और भाई ड्रॉप शॉट काम भी आया। मेरे को 1% डैमेज लगा, देखो इसी गोली का 1% भी, मतलब यार सही में इस बंदे का पहले के जो खुशी मिली ना मेरे को भाई, अल्टीमेट इतना मज़ा आता है इस वाले मैच में, सही बता रहा हूँ। खैर जो भी है, फिलहाल इस वाली वीडियो को सिर्फ इतना ही गाइस। आप लोगों को ये गेम प्ले कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर देना। फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।